हाँ जी दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैसे हो आप लोग उम्मीद है कि दोस्तों अच्छे ही रहोगे और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो पहला टी ट्वेंटी आई मैच खिलाएगा दोस्तों उसकी ग्रैंड लीग टीम के बारे में दोस्तों देखो मेगा कॉन्टेस्ट नौ करोड़ रुपये का और ये रात के साढ़े बजे मैच खिलाएगा ठीक है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है सुनहरा मौका क्योंकि रात के साढ़े बजे मैच खेलाएगा तो भारत में काफ़ी कम लोग रहेंगे दोस्तों जो कि इस मैच में ग्रैंड लीग लगाएंगे उसी का फायदा उठा के दोस्तों आपको इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट करनी है इस मैच के लिए सबसे दोस्तों आपको जो इस स्क्रीन पर ग्रैंड लीग की टीम दिख रही है आप आप लोग लोग इसी से से दोस्तों हाई सिलेक्शन पे इस तरह ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट करके लेके जाओगे लेकिन दोस्तों आपको इस तरह से ग्रैंड लीग की टीम नहीं क्रिएट करनी है मेरे भाई देखो इस मैच के लिए दोस्तों सभी लोग सीबीसी को दे रहे निकलस पुरन को दे रहे रोशन चेस को दे रहे एडम माक्रम को दे रहे क्यों दे रहे क्योंकि जब भी इन दोनों टीम्स के बीच में पिछला मुकाबला खेला गया था तो यही तीनों प्लेयर्स थे दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए थे फैंटेसी में और निकलेसपुर ने तो वन हैंडली भाई एक तरफा इन्होंने दोस्तों बैटिंग करके अपनी टीम को मैच विन कराया था उसी को देखते हुए दोस्तों इनको सभी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन दे रहे हैं लेकिन दोस्तों आपको इस मैच में इनको सी नहीं देना मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों इस मैच के लिए यूनिक ग्रैंडी की टीम क्रिएट करके देने वाला हूँ तो वीडियो पर बने रहना पूरा देखना आपको बड़ा ही दोस्तों यहाँ पर मज़ा आने वाला है इस वीडियो में वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों देखो यहाँ पर जो मैच खिलाएगा ना ब्रैन लारा स्टेडियम पर मैच खिलाने वाला है ठीक है जो कि दोस्तों वहाँ पर बॉलिंग पीछे ही रहती है चाहे आप वहाँ पर टेस्ट मुकाबला करा दो चाहे आप वहाँ पर वनडे मुकाबला करा दो चाहे आप वहाँ पर टी ट्वेंटी आई मुकाबला करा दो कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग ही पिच मिलेगी मेरे भाई ब्रैन ला स्टेडियम पर जो कि एवरेज स्कोर दोस्तों एटी फोर का दे रहा है तो भाई टी ट्वेंटी में बहुत ही इसको घटिया पिच मानी जाती है मेरे भाई ठीक है टी ट्वेंटी का मैच दोस्तों लोग देखने के लिए क्यों जाते है इंजॉयमेंट करने के लिए जाते लंबे लंबे छक्के और चौके देखने के लिए जाते भाई तुम एवरेज स्कोर एक सौ चौरासी दिखा रहे हो पूरा भाई यहाँ पर बॉलिंग पीछे रहती है यहाँ पर फास्ट बॉलर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों मदद मिलता है टोटल मैच यहाँ पर तेरह खेले दोनों टीम्स के बीच में सात मुकाबला यहाँ पर दोस्तों वेस्ट इंडीज ने विन किया हुआ है और छः मैच यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने विन किया हुआ है कहीं ना कहीं दोस्तों काटे का मुकाबला होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर एज है वेस्ट इंडीज़ को इस मैच को विन करने के लिए मेरे भाई ठीक है अब यहाँ से दोस्तों वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना सीरियसली से देखना अगर आप लोगों को दोस्तों इस मैच में ढेर सारा पैसा कमाना होगा तो मेरे भाई देखो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की बात करें ना तो भाई इनकी जो टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है वो भी काफ़ी तगड़े हैं आपको मैं एक चीज़ बता दूँ भाई वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन ऐसे हैं ना अगर इनसे आप टी करा दो टी ट्वेंटी मैच में खिलवा दो ना भाई तो ऐसे बैटिंग करेंगे जैसे भाई ये आदमखोर का जूस पी के आ रहे हैं आदमखोर का तेल पी के आ रहे हैं वहीं पर अगर आप इनसे ओडीआई का मुकाबला करा दो ठीक है या इनसे टेस्ट का मुकाबला करा दो भाई ऐसे खेलेंगे जैसे कि ये मर चुके हैं मेरे भाई ठीक है तो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं कही ना कहीं दोस्तों डोमिनेट करती वेस्ट इंडीज़ की टीम टी ट्वेंटी आई में इनके फास्ट बॉलर भी काफ़ी अच्छे गजब के और इनके बैट्समैन तो पूछो ही मत मेरे भाई ठीक है वहीं पर देखो साउथ अफ्रीका की बात करें तो दोस्तों अभी भी इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है हाँ साउथ अफ्रीका का बॉलिंग लाइनअप अटैक काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन इनका जो टॉप ऑर्डर है कभी चलता है कभी नहीं चलता कभी भाई वो फ्लॉप हो जाता है मेरे भाई ठीक है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साथ में यही परेशानी होने वाली है कि इनका बॉलिंग तो चलेगा लेकिन इनका बैटिंग चलने का बहुत कम इस मैच में दोस्तों चांस है मेरे भाई ठीक है तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के फेवर में टीम हम लोग क्रिएट करने वाले बाकी दोस्तों देखो टॉस होने के बाद इस मैच की आपको तीन ग्रैंड लीग की और एक स्मॉल लीग की टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी तो ज़रूर ज्वाइन करना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मिल जाएगा मेरे भाई देखो निकलसपुरन और दोस्तों यहाँ पर तिरानवे परसेंट जनता अपने टीम में लेके जा रही है तीन से चार नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करते बहुत लोग इनको सी बना रहे आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा सी इनको बहुत लोग बना रहे लेकिन दोस्तों आपको इस मैच में ज्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर और यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से आपको सी देना है मेरे भाई ठीक है देखो निकलसपुरन तिरानवे परसेंट सिलेक्शन प्लेयर अच्छा है चाहे आप अपनी स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो ना उसमें भी इसको लेके जा सकते हो और ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो ना तो उसमें भी आप अपने टीम में लेके जा सकते हो जैसे कि अगर आपने दो टीम बनाया दोस्तों तो एक टीम में पुरन को लेके जाना और एक टीम में दोस्तों ड्रॉप कर देना क्योंकि दोस्तों अगर फ्लॉप होगा ना तो तिरानवे परसेंट जनता को तो आप पीछे छोड़ दोगे और भाई बहुत लोग इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना के जा रहे हैं तो भाई सोचो कि इसको तो आप ड्रॉप करोगे ना तो कैप्टन वाइस कैप्टन में भी ये ड्रॉप हो जाएगा मेरे भाई फ़्लॉप हो जाएगा तो ठीक है लेकिन एक टीम में आप लोग लेके जाइएगा देखो यहाँ पर जे चार्ले से अगर भाई ये खेलेगा तो ओपनिंग करेगा अदरवाइज ये खेलेगा नहीं मेरे भाई ठीक है खेलेगा तो ओपनिंग करेगा और साई ओफ भी ओपनिंग कर सकता है अट्ठाईस परसेंट सेलेक्शन है अगर यहाँ पर वेस्ट इंडीज सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी तो आप अपने टीम में इनको जरूर ट्राई करना फर्स्ट इनिंग में इनका बैटिंग रिकॉर्ड काफ़ी खराब है और फर्स्ट इनिंग में जल्दी आउट होकर चले आते लेकिन सेकेंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करते हैं डी का बहुत कम चांस है दोस्तों कि इस मैच में खेलेगा ठीक है बहुत कम चांस है तो यहाँ पर निकलस पूरन को ही आपको अपनी टीम में लेके जाना है उसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं सिर्फ इनका आपको सीबीसी सी नहीं देना है मेरे भाई, बैटिंग में वनडे अच्छा और टेस्ट काफी गजब का, काफ़ी का मेरे भाई ठीक है दोस्तों क्या है कि टी ट्वेंटी का बैट्समैन उतना अच्छा नहीं है जितना ये मेरे भाई, इसको आप लोग अगर ना, सीधा आग बंद करके आप लोग इसको कैप्टन दे सकते हो लेकिन टी ट्वेंटी आई में थोड़ा छट पिट आता है अगर स्टार्टिंग में इससे रन नहीं बने ना इसके बल्ले से तो ऊट पठान शॉर्ट खेल के आउट होकर चले जाता है ठीक है लेकिन दोस्तों मजबूरी है क्योंकि भाई देखो यही दो तीन प्लेयर है जिनके ऊपर आप लोग साउथ अफ्रीका के बैट्समैन की तरफ से आप इनको भरोसा जता सकते मेरे भाई तो ठीक है तो उनमें से आर वन डर्सन काफ़ी अच्छी पिक रह सकते हैं तो आर वन डर्सन को आप लोग अपनी टीम में लेके जाइएगा रोमन पॉल की बात करें दोस्तों देखो नीचे बैटिंग करने के लिए आएंगे छः नंबर पर बैटिंग करते हुए देखेंगे देखो अट्ठाईस परसेंट सेलेक्शन है एज अ फिनिशर अपनी टीम के लिए प्ले करते हैं फिनिशिंग का रोल अदा करते हैं सत्रहवें से अठारहवें ओवर में इनकी बैटिंग आती है और आते हैं भाई ताबड़तोड़ बैटिंग करके जाते हैं लगा तो लगा नहीं तो सीधा पवेलियन में पहुंच जाते हैं मेरे भाई ठीक है तो रोमन पॉल को आप लोगों को दोस्तों बैट फर्स्ट करती वेस्ट इंडीज की टीम तो आप ट्राई कर लेना टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके मेरे भाई ठीक है क्योंकि क्यों ये काफी नीचे बैटिंग करते हुए आपको दिखने वाले मेरे भाई रिजा हैड्रिक्स की बात करें तो बासठ परसेंट सेलेक्शन है ये ओपनिंग करने के लिए आएगा दोस्तों देखो प्लेयर बहुत ही अच्छा है लेकिन इसका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है जो भी मैचेस अभी इन्होंने खेले हुए ना उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिए तो उसके आधार पर दोस्तों मैं इनको अपनी टीम से ड्रॉप करने का फैसला लिया और आपको भी बोलूंगा दोस्तों कि आप अपनी टीम से इनको ड्रॉप करके चलिएगा ओपनिंग करने के लिए आने वाले हैं मेरे बैट ठीक है सिमिलर हिट मायर की बात करें तो चौदह परसेंट सेलेक्शन है वेस्ट इंडीज की तरफ से आपको चार नंबर या पाँच नंबर में बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ठीक है तो देखो अगर यहाँ पर दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले इनिंग में फ्लॉप जाएगी ना तो भाई यहाँ से ट्रम्प कार्ड के रूप में अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है तो आप ट्रम्प कार्ड के रूप में आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो अगर वेस्ट इंडीज़ के टॉप ऑर्डर फ्लॉप गए तो भाई सिमरन हिटमायर काफ़ी अच्छी पारी खेल के जा सकता है तो इसके ऊपर आप लोग नजर रखना भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा टीम बनाऊंगा तो मैं इसको अपनी टीम में एडजस्ट कर दूंगा ठीक है आप भी अपने टीम में एडजस्ट कर लेना और जो मैं तीन ग्रांडी की टीम आपको बना के दूंगा टेलीग्राम पर उनमें इनमें उनको इनको वहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा मेरे भाई ठीक है ए यहाँ पर दोस्तों ये अथनाजी है जो कि दोस्तों नहीं खेलेगा बहुत कम सिलेक्शन अगर खेलेगा तो जरूर अपने टीम में रखना बॉलिंग भी कराता दोस्तों ठीक है बॉलिंग भी कराता है और बैटिंग दोनों से दोस्तों आपको पॉइंट देगा बहुत कम लोगों को पता है ये एथनाजी के बारे में मेरे भाई ठीक है ऑफ ब्रेक बॉलर है ठीक है बॉलिंग जरूर करेगा मेरे भाई अगर ये खेलेगा ठीक है एथनाजी के ऊपर नजर रखना स्टबर्स की बात करें दोस्तों पचपन परसेंट सिलेक्शन है हार्ट हिटर बैट्समैन है नया बैट्समैन अभी उभर रहा है भाई यहां पर मिडल ऑर्डर में साउथ अफ्रीका की टीम में मेरे भाई काफी गजब के बैट्समैन है और आप अपने टीम में लेके जाइएगा बॉलिंग भी करा सकते हैं अगर भाई स्पिनर्स को यहां पर मदद मिलेगा हालांकि यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलने का बहुत कम चांस है फास्ट बॉलर को ही यहाँ पर दोस्तों हेल्प मिलने वाला है मेरे भाई ठीक है बाकी यहाँ पर एस रदरफोर्ड नहीं खेलेगा और न ही यहाँ पर दोस्तों जे स्मिथ खेलने वाला है तो दो ही को दोस्तों हम लोग अपनी टीम में लेके जाएंगे जो कि आर वनडरसन और टी स्टर्स ही हमारे टीम में रहने वाले हैं ऑलराउंडर में दोस्तों एडम माकरा में जो कि सीवीसी बहुत लोग बना रहे हैं और ब्रेक बॉलर है दो से तीन ओवर आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख सकते हैं अगर इनको विकेट मिला तो पूरा चार ओवर भी बॉलिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे बाकी बैटिंग ऑर्डर आपको दो से तीन नंबर पर बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे राइट हैंड बैट्समैन है टीम के कैप्टन है तो समली हुई पारी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं तो भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे लेके जाइएगा रोशन चेस एटी सेवन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा सलेक्शन है मेरे भाई ठीक है बहुत ही ज़्यादा सलेक्शन है और देखो बॉलिंग से इससे उम्मीद करना आप लोग बैटिंग से बहुत कम उम्मीद करना ऑफ ब्रेक बॉलर है और सामने वाली टीम में बताऊँ मैं आपको साउथ अफ्रीका की टीम में काफ़ी सारे यहाँ पर दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड बैट्समैन देखने को मिल जाएंगे मेरे बैट ठीक है तो उनके सामने ये बॉलिंग करा सकता है जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो टी एट्स से बैट राइट हैंड बैट्समैन है रिचा हैंड्रिक्स भी राइट हैंड बैट्समैन ही रहने वाला है ठीक है तो यहाँ पर तो उतना मेरे को नहीं लगता भाई इस मैच में चलेगा ठीक है क्योंकि सामने वाली टीम में ऑफ ब्रेक ये ऑफ ब्रेक बॉलर सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत कम है ठीक है तो इसको हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे मेरे भाई रोशन को अपनी टीम में नहीं लेके जाने वाले एटी सेवन परसेंट सेलेक्शन है ड्रॉप करके चलेंगे मेरे भाई यहाँ पर रोमानिया सेफर्ड अच्छा बॉलर है दोस्तों बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से इससे हम लोग उम्मीद करके चलेंगे ज़्यादा उम्मीद इससे दोस्तों हम लोग बॉलिंग से करके चलेंगे पूरे चार ओवर बॉलिंग कराएगा प्लस यहाँ पर दोस्तों सात से आठ नंबर पर इसका बैटिंग ऑर्डर है तो बैटिंग आगे तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देकर आएगा तो यहाँ पर इसको लेके जाइएगा फेबिन एलिन शायद ही खेले ठीक है फैमिले नहीं खेलेगा हाँ रोशन चेस खेलेगा लेकिन इसको हम लोग अपनी टीम से ड्रॉप करके जा रहे हैं डब्लू मोलदार की बात करें तो पैंतालीस परसेंट सेलेक्शन दोस्तों ये भी साउथ अफ्रीका की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है इस मैच में और ट्रंप कार्ड पर आप इसको अपनी टीम में यूज कर सकते हो दोस्तों मैं तो अपनी टीम में इसको जरूर लेके जाऊँगा आप भी अपनी टीम में लेके जाइएगा मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ तीन ही ऑलराउंडर को रखेंगे डब्लू मोलदार रोमानिया सेफर्ड एडम माक्रम को रोशन चेस को हमने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफ़ी कम है स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि ज़्यादा रहेंगे लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम दिख

एल निगड़िए तिहत्तर परसेंट सेलेक्शन है दोस्तों अगर यहाँ पर साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी ना तो फिर तो और भी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपको ये पावर प्ले के साथ में आपको ये डेथ में भी बॉलिंग करता हुआ दिखेगा तो मेरी टीम में लुगिन निगड़ी को मैं तभी अपने टीम में रखूँगा जब यहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी अदरवाइज इसको मैं अपने टीम से ड्रॉप करके जाने वाला हूँ मेरे भाई उसके बाद ओ एम सी कॉ है टीको ओ बेम ओ है तो चौवालीस परसेंट सेलेक्शन है ना दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे बॉलर बहुत ही अच्छा है लेकिन इसकी पिटाई भी उतनी अच्छी होती है दोस्तों ठीक है पिटाई भी काफ़ी गजब की होती है लेकिन आपको विकेट जरूर निकाल के देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों टी ट्वेंटी का स्पेशलिस्ट बॉलर है पूरे वर्ल्ड में टी ट्वेंटी आई खेलता है ठीक है लीगे वगैरह खेलता है तो अच्छा बॉलर है अपनी टीम में आप लेके जरूर जाइएगा हमने यहाँ पर लुंगी इंडिगे को ड्रॉप किया हुआ है ठीक है दोस्तों ओ बैटमैन की बात करें तो पचहत्तर परसेंट सेलेक्शन है साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर आपने भाई लुगी को ड्रॉप किया है तो ओ बैटरमैन को आप लोग अपनी टीम में जरूर लेके जाना भाई देखो फर्स्ट इनिंग का बॉलर है सेकेंड इनिंग का बॉलर है दोनों बॉलर है मेरे भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो ओ बटरमैन को आप अपनी टीम में यहाँ से दोस्तों उठा के लेके जाइएगा का काफ़ी अच्छा बॉलर है मेरे भाई ठीक है तो हमने यहाँ पर दोस्तों एक साउथ अफ्रीका के और दो वेस्ट इंडीज़ के हमने बॉलर पिक किए हुए अभी दोस्तों आगे और भी हमने दो बॉलर को और पिक करके हम लोग यहाँ पर दोस्तों चलने वाले मेरे भाई ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों जी मोटी है पैंतीस परसेंट सेलेक्शन है दोस्तों ठीक है ध्यान से सुनना पैंतीस परसेंट सलेक्शन है और ये भी दोस्तों ट्रम्प कार्ड रूप में आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों तीन ट्रम्प कार्ड प्लेयर मैंने आपको बताए हैं उनमें से दोस्तों दो तो पक्का ही चलने वाले मैं आपको गारंटी के साथ में बता देता हूँ मेरे भाई ठीक है तो मैं तो यहाँ पर जी मोटी को भी लेके जाऊँगा दोस्तों देखो बॉलिंग बहुत ही गजब का कराता है और भाई स्लो लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स मेरे भाई राइट हैंड बैट्समैन को सारे के सारे राइट हैंड बैट्समैन को आउट करने की इसके अंदर काबिलियत है तो जी मोटी को आप अपने टीम में जरूर लेके जाइएगा मेरे भाई ठीक अब यहाँ पर दोस्तों एक प्लेयर को हमको अपने टीम में रखना है चाहे आप यहाँ पर दोस्तों देखो विलियम तो शायद ही खेले ठीक है विलियम्स तो नहीं खेलने वाले मेरे भाई तो विलियम्स को हम लोग नहीं रखेंगे एन बर्जर मेरे भाई देखो एन बर्जर बहुत ही शानदार बॉलर है बहुत कम सिलेक्शन में मिल रहा है इसको हम लोग अपनी टीम में लेके जाएंगे अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी ना तो पावर प्ले में आपको बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा और मिडल ओवर में भी बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा मेरे भाई ठीक है तो एन बर्जर काफी अच्छा बॉलर है तिरालीस परसेंट सेलेक्शन में मिल रहा है आप इसको अपने टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन भी दोस्तों अपनी टीम का यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हो मेरे भाई ठीक है तो यहाँ पर हम लोग एन वर्जन को ही रखेंगे बी बी फोर्टीन की बात करें तो दोस्तों देखो ए बॉलर बहुत गजब का लेकिन इसके मतलब लायक के पिच नहीं है ठीक है तो इसी के लिए हम लोग इसको अपने टीम में नहीं रखेंगे अगर खेलेगा तभी भी नहीं रखेंगे और मेरे को तो लगता है शायद ही खेले मेरे भाई ठीक है बी फोर्च शायद ही खेले तो इसको रखने की बात ही नहीं होती है तो हम यहाँ पर एन बर्जर को रखेंगे दोस्तों देखो यहाँ पर क्या कर रहे सभी लोग यहाँ पर रोशन चेस को रख रहे थे हमने एक ही प्लेयर को ड्रॉप किया हुआ है ठीक है एक प्लेयर को ड्रॉप करके यहाँ से एक प्लेयर को हमने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ रिजा हैंड्रिक्स को तो दो प्लेयर को ड्रॉप करके हम यहाँ पर एन बर्जर को रख लिया अपने टीम में और यहाँ पर दोस्तों हमने जी मोटी को अपनी टीम में रखा हुआ है ठीक है तो ये है दोस्तों हमारी टीम देखो अभी तो फिलहाल छः पाँच का कॉम्बिनेशन बनाया मैंने छः प्लेयर साउथ अफ्रीका के पाँच प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के क्योंकि दोस्तों पिछला मैच था काफ़ी गजब का दोनों टीम्स के बीच में खेला गया था और पिछला ही मैच डीएलएस मेथड से यहाँ पर दोस्तों तीन विकेट से साउथ अफ्रीका ने उस मैच को विन किया हुआ था मेरे भाई ठीक है तो उसी को देखते हुए मैं इस मैच में थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को फेवर कर रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया जाएगी दोस्तों निकलस पूरन की टीम है जो वेस्ट इंडीज के फेवर में लेकिन मैं थोड़ा सा अलग चल रहा हूँ मेरे को लग रहा है दोस्तों इस मैच को साउथ अफ्रीका विन कर सकती है कैपेबल टीम है सिर्फ और सिर्फ इनको मेहनत करने की जरूरत है अगर एज अ टीम खेलेंगे ना तो भाई जरूर इस मैच को विन करने की पूरे के पूरे हकदार रहने वाले मेरे भाई ठीक है अब सी की बात कर लेते हैं दोस्तों देखोगे तो अभी सी बी सी में आपको बताऊँ ना तो देखोगे तो यहाँ पर निकलस पुरन को उन्नीस परसेंट लोग बना रहे एडम माकरम को तेरह परसेंट लोग बना रहे रोशन चेज को अभी मैं रखता ना तो उनको और भी लोग बनाते थे इस मैच में लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर कैप्टन दूंगा रोमानिया सेफर्ड को और दोस्तों वाइस कैप्टन दूंगा वो बैटरमैन को ठीक है मैं दोस्तों बॉलर्स के ही ऊपर ही रखूंगा नज़र क्योंकि दोस्तों बॉलिंग पीच है तो आपको बॉलर्स को ही सी वी सी बनाना है भाई काफ़ी अच्छा रह सकता है दो से तीन विकेट निकाल के गए तो आपको दो सौ एक सौ अस्सी दो सौ पॉइंट देके जाने वाले मेरे भाई देखो रोमानिया सेफर को मैंने कैप्टन इसके लिए दिया हुआ है कि भाई अगर बैटिंग भी आ गई तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे जाएगा ठीक है तो कैप्टन का, का काफ़ी अच्छा पिक है चार ओवर भी कराने वाला है और यहाँ पर वो बैटरमैन को मैंने वी सी दिया जो कि दोस्तों पूरे चार ओवर कराएगा बॉलिंग नहीं इसका कटेगा ओवर नहीं कटेगा तो विकेट इस मैच में इसका दो विकेट कन्फर्म है मेरे भाई ठीक है इसका लक साथ दिया थे तीन विकेट भी इस मैच में आपको निकालता हुआ दिख सकता है और बॉल फर्स्ट करेगी साउथ अफ्रीका तो आप इसको कैप्टन भी अपने टीम का ट्राई कर सकते हो मेरे भाई है दोस्तों हमारी ग्रैंड लीग की यूनिक टीम बाकी जो मेरी फाइनल ग्रैंड लीग की टीम रहेगी टॉस होने के बाद आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा ठीक है तीन ग्रैंड लीग की और एक स्मॉल लीग की फोर मेंबर की विनिंग टीम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम सब कुछ फ्री मिलता कोई चीज़ का पैसा नहीं लगता वहाँ पर दोस्तों और जाके देखिएगा किस तरह से हम लोग ग्रैंड लीग की टीम देते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों